दुआएं लेके जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। तो गाइस गुड मॉर्निंग, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे आज फिर से एक नए ब्लॉग में। बहुत दिन बाद ब्लॉगिंग दोबारा शुरू कर रहा हूँ, तो थोड़ा अजीब लग रहा है शुरू कर लिया, तीन चार टेक ले चुका पता स्टार्टिंग करने में ही। बाकी दिल्ली में बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी है इस टाइम पे, मेरे उसे देख रहे पूरा कोहरा कोहरा लगा है और दिख कुछ नहीं यार, मुझे दिख रहा है कि वाला घर कितना धुंधला सा दिख रहा है, तो बहुत ज़्यादा कोहरा है इस टाइम पे, ठीक है। और ठंड इतनी हो रही है पूछो मत। तो आज है भाई की इंगेजमेंट, तो अभी उसी की तैयारियाँ चल रही नीचे, ठीक है। तो हम सबको निकलना है भाभी औरों के घर के लिए, तो मैंने सोचा क्यों ना एक छोटा सा ब्लॉग कर लिया जाए आज का, और इस पल को थोड़ा यादगार जो पल होंगे उनको थोड़ा कैप्चर कर लिया जाए अपने लिए, ताकि बाद में देख सके और एंजॉय कर सके और आप सभी को एंजॉय करा सके। अभी मैं आ चुका सबसे ऊपर छत, जो नई छत बनी है हमारे अभी, ठीक है। तो अभी घर का काम भी चल रहा है साथ में और शादी की तैयारियाँ भी चल रही हैं, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे हैं सारे घर वाले, ठीक है। तो इसलिए ब्लॉग भी नहीं कर पा रहा अभी, और मेरे उसे देख सकते इतना कोहरा है ना इस टाइम पर, चारू रोड कोहरा पूरा एकदम, लेकिन ठीक है मज़ा ही सीखा। अगर ठंड में ऐसा कोहरा ना लगे तो फिर दिल्ली में रहने का फ़ायदा क्या है ना। लेकिन क्योंकि अभी गांव में तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी है, उत्तराखंड में तो है हद से ज़्यादा, हर जगह बर्फ़ पड़ी इस बार तो इसलिए यहाँ भी बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी है उसके कारण, कि हवाएँ तो वहीं से आती है ना बर्फीली हवाएँ। तो ठीक है चलो फटाफट नीचे चलते हैं कि बसंत पंचमी है, तो मम्मी कुछ तैयारी कर रही होगी नीचे, वो दिखाता हूँ सबसे पहले आपको, ठीक है। फिर आज के फंक्शन में जितना मैं दिखा सकता हूँ, क्योंकि मेरा मेन फोकस रहेगा एंजॉय करने में, ठीक है। तो जितना ब्लॉग हो सके उतना बनाऊंगा और आप सबको दिखाऊंगा, ठीक है। तो लेट्स गो। बाद में दिखाता हूँ मैं कोहरे के हालात हो रखे हैं, तो पूरा कोहरा लगा पड़ा घना एकदम, ठीक है। और ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, मैं कांप रहा हूँ। बाद में अभी घर काम ऐसे चल ही रहा है, मैं तो थोड़ा बहुत दिखाऊँ एक हल्की झलक, ये सबसे ऊपर छत जो भी नई बनी है, ठीक है। एंड फिर ये सेकंड छत जो भी, ये भी नई बनी है अभी, ये दोनों छत अभी नए बने, तो एक मैं दिखाता हूँ। तो मैं तुम्हें नीचे से, तो अभी जस्ट काम चल ही रहा है, ठीक है। अभी पेड़ का काम चल रहा है, तो अभी सारा सामान ऐसे फेंका हुआ है, तो सारा सामान ला के ऐसे रखा हुआ है। तो आज की तो साथ की छुट्टी है, तो कुछ इस तरह भी काम चल रहा है। ये ऊपर वाला छत वाला रूम है खाली, तो आज सभी छुट्टी क्योंकि इंगेजमेंट थी, तो और सबकी छुट्टी करिए काम वालों की। बाकी नीचे पेंट हो रहा है अभी, तो जस्ट कुछ यहाँ तक तो पेंट हो चुका है, तो कुछ पेंट का काम चल रहा है कुछ इस तरह से। एंड देन क्योंकि हमारे कम टाइम था, तो हम ऊपर पीओपी को सुखाने के लिए हैलोजन लाइट्स का यूज़ करना पड़ रहा है, क्योंकि डेढ़ दो महीने में हमारा घर बन के तैयार हो रहा है जो भी है, तो जितना पूरा फर्निश वगैरह नीचे सारे सब कुछ फर्निश हो चुका है। बाकी दरवाजे वरवाजे सब आ चुके हैं, बस लगने बाकी है। अगर आज छुट्टी नहीं होती लग जाता तो बाकी, लेकिन अभी पीओपी जो ऊपर गीली है, तो इसको सुखाने के लिए ये कुछ हैलोजन बल्ब लगाए गए हैं, तो आई होप कि जल्दी सूख जाए। एंड बाकी यहाँ से आता बाहर का व्यू पूरा कोहरा भरा हुआ एकदम, फुल टू फुल कोहरा चल रहा है अभी गली में, और ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। हाथ पूरा कांप रहा, मुझे नहीं पता कैमरा कितना हिल रहा होगा। चलो चलते हैं फटाफट नीचे। हम लोगों ने नीचे का जो पूरा फ्लोर है हमारा पूरा सेट कर दिया, ठीक है। तो अभी इतनी लाइट लगा दी कमरे में कि ऐसा लगता है कि रात को भी सूरज निकल रखा होगा, लाइट कर दी पूरी, कि बहुत ज़रूरी थी यार, कि एक तो ब्लॉग में आए पूरा अंधेरा अंधेरा आता था, और उसके अलावा कि अब कमरे में रोशनी थोड़ा चाहिए थी या कुछ भी। तभी मम्मी किचन में लगी पड़ी है, क्योंकि बसंत पंचमी है, तो मम्मी लगे घूघ दूध बनाने, वहाँ दूध रखें एंड मांस वास जो भी बनाएगी मम्मी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ की लाइट जलाऊँ तो जल जा, अरे जल जा कहाँ है, हाँ। तो अभी देखो, तो अभी मम्मी कुछ, ये तो खजूर है मम्मी, तो अभी मम्मी बनाए कुछ घूघ वगैरह, ठीक है। तो बसंत पंचमी के तौर पर घूघ बन रहे, और उसके अलावा हाँ, तो लास्ट टाइम जो बन रहे हैं वो बसंत पंचमी के उससे बनते हुए, पहले बनते हैं 14 तारीख को क्या था मकर संक्रांति, और उसके बाद फिर आज बसंत पंचमी को, फिर उसके बाद फिर अगले साल भूत बनेंगे, ठीक है। ऑन फेस्टिवल फिर दोबारा वही जनवरी में जब मकर संक्रांति होगी, और बाकी सारी तैयारियाँ चल रही है एंगेजमेंट की। तो अभी सामान जो ला कर रखा हुआ है ऐसे ही बाहर रखा हुआ, क्योंकि अभी थोड़ी बार सेट करेंगे सब कुछ, और बाहर तो कोहरा लगा है, तो अभी इतनी जल्दी देखते हैं कब तक निकलेंगे वैसे। बाकी सारा सामान वगैरह जो है वो यहाँ रख दिया अभी, मतलब नीचे का फ्लोर पूरा सेट नहीं हुआ, तो अभी बहुत कुछ सेट करना बाकी, तो हम सोचे पेंट का काम पूरा खत्म हो जाए, फिर उसके बाद घर को ये सेट करना शुरू करेंगे सब कुछ, इसलिए अभी सब कुछ ऐसे बिखरा हुआ पूरे घर में, ठीक है। तो अभी कुछ सामान लेने बाहर जा रहा, बाहर कोहरा लगा पता नहीं कैसे जाएंगे। तो अभी सुबह सुबह हम जा रहे हैं कुछ काम से, ठीक है, क्योंकि कुछ सामान रह गया है, तो जल्दी जाते हैं, बाहर बहुत ठंड है। तो भाई
पता नहीं ऐसे में स्कूटी पे कैसे जा पाएंगे भी, लेकिन जाना पड़ेगा। नवीन कहा, नवीन आजा, चल जल्दी आजा, जल्दी आजा। तो अभी अपना घर ऐसा लग रहा है कुछ, मतलब यहाँ काम चल ही रहा है एंड बाकी ऊपर चल रहा है पेंट का काम। अभी काम है कुछ दिनों लगेंगे काम खत्म, मेरे ख्याल से एक हफ्ते के अंदर, सारे एक हफ्ते से पहले सारा काम खत्म हो जाना चाहिए, अब हो जाएगा। तो क्या कर रहा ऊपर, काम कर ले काम। बोलो ना नहीं जा रहा। तो फिलहाल हम आए थे अभी ये गुलदस्ता लेने के लिए, जब बन के रेडी हो चुका है, क्या जबरदस्त मस्त लग रहा है। ठीक है तो फटाफट चलते हैं, लेट हो गए बहुत ज़्यादा, सीधा मिलता हूँ आपसे घर पे। लेट्स, हम सब लोग हो चुके हैं एंगेजमेंट के लिए तैयार एकदम। ठीक है, क्या क्या कर रहे हो? हेलो, हेलो, तो फाइनली सब लोग तैयार हो चुके हैं, मम्मी और पापा लोग जा चुके हैं पहले, क्योंकि कुछ स्टार्टिंग में कुछ काम करने होते हैं उसके लिए गए। ठीक है तो हम सब लोग तैयार हो चुके हैं, लग रहा है पूरा एकदम क्लास का क्लास है। ये क्यों पहन रहे हो, ये क्यों पहन रहे इसके बाहर से भैया? तो क्लास में सेफ्टी के लिए बाहर से ट्रक सूट पहने में ड्रेस के, हवा ज्यादा गंदी ना हो जाए करके, देख रहे हो ऐसा होता है कुछ सीन। तो फिलहाल चलो फटाफट, लग रहा सब लोग तैयार हो चुके, अब तो कोई बचा है भी, सब लोग हो चुके तैयार, चलो फटाफट चलते हैं। भाई साहब चाची का मेकअप पूरा नहीं लग रहा है, लग गया तो फटाफट। अभी घर पर ऐसा फैला हुआ है सारा, क्योंकि अभी हो रहा है काम तमाम। ओके समझ लगे अभी चलो पहले फटाफट चलो हो जाओ, चलो 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 मिलता हूँ सीधा तुमसे आपसे रास्ते में। ठीक है लेट्स गो। तो सभी के सभी तैयार हो चुके हैं, कैलाश भाई भी तैयार हो गए हैं, यहाँ पापा भी आ गए हैं हमारे। ओके ओके एंड यहाँ पे हमारे सारा सामान लेने वाला लोग भी तैयार हो चुका है, और पीछे हमारे भाई लोग भी तैयार हो गए, दिखाता हूँ आपको सबसे मिलाते हैं। तो संजय ना आ चुके हैं यहाँ पे आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। मैं कह रहा गणेश भाई आ चुके हैं, बाबू की दुआ लेके जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। कोई बात नहीं मेरे भाई, हम तेरे को जानकारी देंगे, तो गणेश आपको सुखी संसार मिल जाएगा एट दी एंड। और बाकी को क्या मिलेगा भाई? बाकी को मिलेगी खुशी, खुशी हम देंगे गणेश पूजा, हम गणेश को पूज कर देंगे। तो हम सबसे पहले गणेश की पूजा से शुरू करेंगे सारे के सारे फंक्शन। खुशी अरे हम सब लोग निकल चुके हैं, ठीक है बाकी सब लोग पहुंच गए, हम ही लोग रह चुके हैं बस। क्या है क्या बोल रहा है लग रहा ना सेक्सी? थैंक यू सो मच। जिसको जो गाली आ रही बोल देना भाई, जो आप लोग कह रहे हैं थैंक यू सो मच, कोई वो नहीं बोलेगा, तारीफ नहीं करेगा कोई, मेरे को पता है सही लग रहा हूं मैं, बिल्कुल सही लग रहा हूं, कोई बात नहीं। गणेश से ध्यान पूरा अपने बालों, मेरे बाल कैसे हो रखे ऊपर पत्थर? ठीक है जो बढ़िया सब सही है। ऑलरेडी हम लेट हो चुके हैं, बता सकते कितना ज्यादा लेट हो चुके हैं, तो फटाफट बस 2 मिनट रहेंगे पहुंचने में, आप पहुंचने वाले जस्ट। ठीक है के लिए गए थे भाई के एंगेजमेंट के लिए, वो हो चुकी है कंप्लीट, और हम आ चुके फाइनली घर वहाँ से। ठीक है वहाँ का ज्यादा नहीं दिखा है, बस थोड़ा बहुत 2-3 फोटोज वगैरह जो देख लिया आपने। ठीक है एंड बाकी एंड अब हम कर रहे हैं शादी कार्ड पैक। ठीक है तो इतने सारे शादी कार्ड है, कितना करना है
चुपचाप पैक करेगा। तो अभी हम सब लोग कर रहे हैं शादी कार्ड पैक यहाँ बैठ के, ठीक है। बहुत से शादी कार्ड है यहाँ पर दिखा देते हैं, बहुत सारे कार्ड है, बहुत ही सारे कार्ड है। उतने सारे कार्ड गणेश ने पकड़े जोगिंदर कार्ड बनाएगा, जमीन के पास है, कपिल के पास है, और अभी आधे कार्ड आने बाकी है। जोगिंदर इतने कार्ड बनाएगा, इतने कार्ड में सोची ना होगी। तो चलो फटाफट करते हैं कार्ड पैक, ठीक है। तो फाइनली हम लोगों ने इतने सारे कार्ड पैक कर दिए, ठीक है। नवीन उठ के चला गया और प्रियांश भी उठ के चला गया और दो तीन कार्ड बचे हैं बस, बाकी हम सब ने सारे कार्ड पैक कर दिए, इतने सारे कार्ड। अभी और कार्ड आने बाकी हैं जो आज रात को आएंगे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का प्यारा सा ब्लॉग, जो इसमें कर हमने बहुत सारा इन्जॉयमेंट, ठीक है। मैंने आपको ज़्यादा नहीं दिखा पाया क्योंकि वहाँ से मेरे पास ज़्यादा वीडियोस और फोटोज नहीं पड़े, क्योंकि हमारा पूरा ध्यान वहाँ सिर्फ मजे लेने में था, हम सब इन्जॉय कर रहे थे बस, ठीक है। तो यार आई होप कि हमने जितना भी देखा आप सबको पसंद आया होगा, पसंद आया सब जाकर वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलता हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक आप खुश रहो, मुस्कुराते रहो, अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखो, सेफ रहो, सुरक्षित रहो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।